बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। देश को धोखा देकर देश की जनता के पैसे को किस प्रकार लूटा गया एक व्यक्ति विशेष के द्वारा सरकार के मुखिया के साथ मिलकर, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने चर्चा करने के लिए मुझे मौका दिया। मुझे याद आता है माननीय अध्यक्ष जी, आपके स्वीकृति से यहां की एक कमेटी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गई थी घूमने के लिए, कुछ मुद्दों पे रिसर्च करने के लिए, और उस कमेटी में मैं भी एक सदस्य के तौर पे गया। हर 200-300 मीटर की दूरी पे हमारी गाड़ी रोक के विधायकों को गाड़ी से नीचे उतार के गाड़ी जांच कराई जाती थी। मैं सोच रहा था कि एक तरफ तो हम स्टेट गेस्ट के रूप में आए हुए और विधायकों को भी गाड़ी से उतार के गाड़ी जांच कराई जा रही है, ऐसा क्यों है? लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार सुरक्षा का सवाल है, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव प्लेस है, स्टेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जब ये पुलवामा हुआ तब 300-350 किलो आरडीएक्स लेके गाड़ी हमारे सैनिकों के काफिले की गाड़ियों से टकरा के 40 से ज्यादा सैनिकों को मार देती है, और वो जांच एजेंसियां जो पूरे देश की विपक्षी पार्टियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उनको जेल में डालने का काम कर रही है, वो सारी जांच एजेंसी पुलवामा वाले मुद्दे पर फेल क्यों है? केंद्र सरकार को कम से कम इस बात का खुलासा तो कर देना चाहिए कि वो 300-350 किलो आरडीएक्स कौन लेकर आया, उस गाड़ी को वहां तक किसने जाने दिया, किसकी मदद हुई, इसमें कौन लोग जिम्मेदार हैं? अगर ये जांच आज तक भी सामने नहीं आ पा रही तो इसका कारण मुझे आज स्पष्ट तौर पर समझ आता है। देश की जनता ने जिनको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, अपना इतना प्यार दिया, आज वो देश की जनता क्या महसूस करती है, ये बात मैं एक शेर के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि जनता क्या महसूस कर रही है। जनता महसूस कर रही है कि मुझे शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का, कि मुझे शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का, गिला तो तब हो जब तूने किसी से निभाई हो। तो जिस जनता ने पहली बार जिताया फिर दोबारा जिताया, उसी जनता के पैसे को जो बैंकों के अंदर जमा था, इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर जमा था, उन कंपनियों ने जब अडानी जी को वो लोन देने से इनकार किया, जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए उन बैंक के उच्च अधिकारियों को, इंश्योरेंस कंपनी के उच्च अधिकारियों को, कहां से फोन आया और किसने फोन किया कि ये अडानी जी को लोन आपको देना होगा। तो जनता के पैसे को लूटकर रातों रात दुनिया के दूसरे और तीसरे नंबर पे पहुंचने वाले, ये कभी मेहनत से संभव नहीं है। आज तक का पूरे दुनिया का इतिहास उठा के देख लो, पूरे दुनिया में एक भी उद्योगपति ऐसा नहीं मिलेगा, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया के अंदर एक भी उद्योगपति ऐसा नहीं मिलेगा जितने इतनी तेजी से इतनी तरक्की की हो। बेसिकली तरक्की हुई हो तो वो शायद देश की तरक्की भी साथ में हो जाती दिखती, तरक्की दिखाने का फर्जीवाड़ा हुआ। ये मुझे इसमें एक घटना याद आ रही है और वो घटना शायद आपको पसंद आएगी, आपने सुनी भी होगी, सच्ची घटना है। एक कथावाचक थे, अपने आप को संत के रूप में पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में पूजवाते थे। उनके यहां एक बार एक व्यापारी गए और उन्होंने कहा कि मुझे संत जी से मिलना है, तो संत जी के जो मीडिएटर थे उन्होंने कहा भाई ऐसे संत जी नहीं मिल सकते, उन पे टाइम नहीं है, पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं मिलते कोई बात नहीं, मेरी तरफ से ये 10,000 रुपए का चंदा है, ये उनको दे देना और बता देना जी, वो चंदा देकर गए। दूसरी बार फिर वो संत जी के वहां गए आश्रम में, दूसरी बार फिर उन्होंने कहा मुझे संत जी से मिलना है, उन्होंने कहा भी ऐसे नहीं मिलते, आपको पिछली बार भी समझाया था। तो उन्होंने कहा ऐसा करना, ये 10 लाख रुपए चंदा है मेरी तरफ से संत जी के लिए,
तो ये उनको दे देना। उनको जब दिया तो उन संत जी ने, जिनका नाम एस से शुरू होता है, उन्होंने कहा भाई ये कौन व्यक्ति है, इसको बुलाओ। अब वो वहां गए और बहुत अच्छे से संत जी उनसे मिले। मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तो इसलिए आपके पास आया था, मैं चाहता हूं एक बार आप मेरे घर पे आके खाना खाएं। संत जी ने उनकी बात मान ली, उनका खाना की दावत स्वीकार की और वो उनके घर पे गए। संत जी को पता नहीं था कि जिस बंगले में वो थे रहते थे वो बंगला किराए पे था। उन्होंने उन संत जी को कहा कि ये मेरा बंगला है और मेरे ऐसे से फलाफला बिजनेस है और बहुत अच्छी तरक्की हो रही है। उन्हें पूछा कि भाई इतना ये कैसे आपने इन्वेस्टमेंट कहां से हुआ, कि मैं लोगों से पैसा लेता हूं और उनको 5% ब्याज दे देता हूं, हर महीने दे देता हूं। संत जी ने कहा तो ठीक है, ऐसा करो 10 करोड़ रुपए मेरे भी लगा दो, 5% मुझे भी दे देना। और इस तरह उनके 10 करोड़ रुपए लेते ही वो मकान खाली करके रफू चक्कर हो गए। आज हमारे देश के साथ बिल्कुल उसी तरह की चीटिंग उसी तरीके से हो रही है। फर्जी सेल कंपनियां बनाई गई और उन कंपनियों के माध्यम से अपने ही शेयरों को खरीद फरोख्त करके उनको उनकी कीमत वैल्यू मार्केट में बढ़ाई गई ताकि जनता छलावे में आकर अपना पैसा उन कंपनियों में लगाए। इस तरीके से पूरे देश के साथ छल करने का काम, पूरे देश के साथ गद्दारी करने का काम केवल अडानी जी ने नहीं किया है, बल्कि जिनके प्लेन में बैठ के वो अनेकों बार अनेकों देशों में गए, अनेकों देशों की सरकार को बाध्य किया उनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, वो इसके अंदर शामिल हैं। और मैं ये सोच रहा था कि जब देश की बात आए तो कम से कम ऐसे मुद्दे पे तो हमारी विपक्ष जो यहां विपक्ष में है लेकिन पूरे देश में बहुत सारे राज्यों में सत्ता में है, केंद्र के अंदर पूरे बहुमत से जो पार्टी सत्ता में है, वो पार्टी अडानी जी के लूट के ऊपर चर्चा में इतना विरोध आखिर क्यों कर रही है। ये विरोध केवल अडानी की ऊपर चर्चा का नहीं है, बल्कि ये विरोध इसलिए है ताकि ये सच कहीं सामने ना आ जाए जो इनके मुखिया हैं वो इस सारे चीटिंग और फोर्जरी में, इस लूट में शामिल हैं। और यही कारण है पूरे देश का विपक्ष एकजुट होकर संसद के अंदर बार बार कह रहा है जेपीसी का गठन करो ताकि जेपीसी जांच करके सच को सामने ला के रखे। आईना, आईने में साफ साफ तस्वीर होनी चाहिए कि आखिर ये लूट किसने की है, इसमें कौन शामिल है। और मुझे तो इस बात का भी दुख है, हमारे अन्ना हजारे जी जो इस तरह के मुद्दों पर अक्सर भूख हड़ताल पे बैठ जाया करते थे, मैं देख रहा हूं जब से ये सरकार सत्ता में केंद्र के अंदर आई है करीब 9 साल होने पे, तब से वो बिल्कुल चुप्पी साध गए। उनकी भी एक बार जांच करो, बीमार बीमार तो नहीं है, कम से कम उनसे कहो कि भाई इस मुद्दे पे भी भूख हड़ताल पे बैठ जाओ। हमारी सरकार के बारे में तो बार बार जांच की बात करते हो, बार बार बोलते हो है? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जो ब्लैक मनी भारत में वापस लाने की बात थी वो वापस नहीं आई, उस पर वो चुप क्यों है। देश के अंदर लगातार देश के संसाधनों को लोटा जा रहा है, दोहन किया जा रहा है SEZ के नाम पर, जैसा कि संदीप भाई ने बताया, बिना किसी पैसे के 1 रुपए पर उनको इतनी बड़ी जमीन दे दी गई, बाकी उद्योगपतियों को 8,000 और 6,000 रुपए मीटर के हिसाब से दी गई। तो इस तरह की जो लूट देश के साथ हो रही है, ऐसे मुद्दों पे ऐसे लोग चुप क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं सारा का सारा षड्यंत्र में इस तरह के लोग शामिल है जो केंद्र में सत्ता में बैठे, इसलिए वो जेपीसी का गठन नहीं होने दे रहे, इसलिए विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे, इसलिए विपक्ष के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराकर सारी जांच एजेंसियों को पूरे विपक्ष के खिलाफ लगा दिया है। मैं जानना चाहता हूं क्या देश की लूट के बारे में हमारी जांच एजेंसियां कोई जांच करेंगी या नहीं करेंगी? यह भी स्पष्ट होना चाहिए, क्या CBI, NIA, ED, क्या सब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए? क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जांच होगी, अदरवाइज जांच नहीं होगी? पूरा विपक्ष लिख के दे रहा इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह की लूट ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। देश के लोग, पहले भी आजादी की लड़ाई लड़ी गई, मुझे लगता है आजादी की एक और लड़ाई की जरूरत है और इसमें कुर्बानी देने की जरूरत है। अगर शहीद भगत सिंह या उनके साथियों ने कुर्बानी दी तो मैं आज इस सदन के सामने कह रहा हूं अगर इसमें हम अपने जान की कुर्बानी देनी पड़ी हम देने के लिए तैयार हैं, पर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।